आपका प्रोग्राम रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अभी एक समस्या आती है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या है कि बड़े बड़े उद्योग लगते हैं उनके कचड़ों से नदियां काफी प्रभावित होती हैं। आप दिल्ली से पढ़े तो दिल्ली की यमुना इसकी ज्वलंत एग्जांपल। तो क्या मेजर स्टेप उठानी चाहिए खास करके इंडस्ट्रीज को जिससे नदियां उतनी प्रदूषित ना हो? सर उसका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, जैसे कि सर दिल्ली में यमुना में जो मतलब हम देखते हैं छठ के समय में फोम्स वगैरह आ जाते हैं बहुत सारे डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज की वजह से, वो डायरेक्ट पानी बहा देते हैं। सर उसका ट्रीटमेंट प्री ट्रीटमेंट करना चाहिए सर, जिससे कि उसको न्यूट्रलाइज करके बहाया जाए जिससे कि टॉक्सिसिटी कम हो। अच्छा कौन सुप्रीम है, तो सॉवरेंटी किसको, संप्रभु कौन है? सर पीपल, डायरेक्टली इन सेंटर एंड डायरेक्टली इन प्रोविंस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस? गुड मॉर्निंग सर, हैव योर सीट प्लीज। थैंक यू सर। अच्छा यू डिड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी? जी सर। दिल्ली से आ रहा है। हमारे बिहार में एक बड़ी मशहूर कहावत है, दिल्ली दूर है, ऐसा क्यों कहते हैं? सर मैं एग्जैक्टली रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ कि ये किसने बोला था, लेकिन जब मतलब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, मतलब नेशनल मूवमेंट के कोर्स में किन्हीं ने कहा था कि अच्छा फ्रीडम मूवमेंट, आप मतलब ये इतिहास पढ़ा है ना, हिस्ट्री पढ़ा कि नहीं कभी? जी जी जेनेसिस पढ़ा होगा। मैं आपको हिंट कर दें, ये मिडिवल इंडिया में कहा गया। चलिए नहीं याद कोई बात नहीं। अच्छा ये सिंपल, आपका आज का न्यूज पेपर पढ़ा है? जी। तो उसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या न्यूज लगा? सर आज के न्यूज़पेपर में सर मैंने पढ़ा कि यूएसए ने रेड सी में जो मतलब हाउदीज का जो अटैक हो रहा था, तो उस वजह से एक जॉइंट फोर्स बनाया है एक मतलब सिमिलर माइंडेड कंट्रीज का, ताकि वो अटैक को रोक सके। चलिए वो आपको इम्पोर्टेंट लगा, लेकिन हमको तो इम्पोर्टेंट लगा कि हमारे पार्लियामेंट ने लोकसभा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बिल पास किया है। जी आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट किया। जी जी सर। ये इम्पोर्टेंट नहीं लगा आपको? यस सर, सॉरी सर। अच्छा ये बताइए कि ये जो आईपीसी सीआरपीसी ये कब बना था, जो अभी अमेंड किया गया ये कब बना था? सर ये 1850 के बाद 1860 में 1860 में बना। अच्छा, था। आप जानते हैं वो किसने ड्राफ्ट किया था आईपीसी सीआरपीसी? सर लॉर्ड मैकॉले ने किया। लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले ने जो बनाया था। तो अभी इसकी क्या जरूरत पड़ गई इसको चेंज? लॉर्ड मैकॉले पहले बताइए, लॉर्ड मैकॉले कौन था, क्या जानते हैं उसके बारे में? सर लॉर्ड मैकॉले जो मतलब था वो एक सर जुडिशियल मेंबर था, जिसको 1833 के एक्ट के थ्रू जो है। कौन सी का जुडिशियल मेंबर था? एक जूरिस्ट था सर, जिसको मतलब मैंडेटरीली जो है गवर्नमेंट काउंसिल के अंदर सर मतलब ले लिया गया था, जिसमें चार मेंबर हो गए थे सर। गवर्नमेंट इन काउंसिल लॉ मेंबर था गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सॉरी सर, थैंक यू सर। तो वो तो आपको ये बताइए, आप आइए कि क्या बनाया गया है, जो अमेंडमेंट किया गया है, अब क्या हो गया है, आईपीसी का नाम क्या हो गया? सर आईपीसी का नाम आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट नाम नहीं है, पढ़ा अखबार में ना? जी जी। तो उस पर न्यूज में आपने ध्यान नहीं दिया उस पर? सर सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल के नाम से किया गया है, और एविडेंस एक्ट को सर भारतीय साक्ष्य बिल के नाम से कहा गया है। अच्छा अच्छा, इसमें बेसिक उसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज भी चेंज जो किया गया? जी सर। क्या सीआरपीसी में क्या अमेंडमेंट किए मैंने? सर चलिए नहीं पढ़ा आपने, ये बताइए अब आप वो आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, जी सर। पॉलिटिकल साइंस तो आपने पढ़ा ही होगा। जी सर। तो संविधान भी पढ़ा है? जी। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ना भारत का? जी। तो हम तो ये सुनते हैं कि भारत का संविधान ये कुछ संविधान ही नहीं है, वो तो कहता है कि हॉच पॉच है, सब कंट्री के संविधान को मिला जुला के बना दिए। You agree? सर मैं इसे सहमत नहीं हूँ, मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि सर हमने बोरो किए हैं फीचर्स, लेकिन सर उसको हमने इंडियन सोसाइटी और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड किया है।
अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का क्या लगा? सबसे इम्पोर्टेंट सर फंडामेंटल राइट्स है। अच्छा, कौन सुप्रीम है? सोवरेंटी किसको है? संप्रभु कौन है भारतीय संविधान? सर पीपल जी, सिटीजन जी। चलिए आप अब पूछिए। सागर कुमार, आप सहरसा जिला के रहने वाले हैं जी, सहरसा में बाढ़ की समस्या है? सर मतलब वो रूरल एरिया में मतलब है, लेकिन मतलब जो मतलब अर्बन एरियाज जो और मधेपुरा के एडजॉइनिंग एरियाज में नहीं है। आपका ऑप्शनल रहा है पीएसआईआर जी, जबकि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी किया है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से जी, दोनों में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, तो बैलेंस कैसे किए इसको? सर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री चूंकि एक सब्जेक्ट नहीं है, ना कि यूपीएससी में ना बीपीएससी में, और सर ये बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ये प्रोग्राम था, ये ऑनर्स सब्जेक्ट नहीं था, तो केमिस्ट्री का सर उतना उस लेवल पे पढ़ाई नहीं हो पाई थी जिस लेवल पे सर मतलब ऑप्शनल में काम आती। और सर मेरे जो फ्रेंड्स, मेरा जो फ्रेंड सर्किल वहाँ पे बना था सर, वो लोग पॉलिटिकल साइंस से मतलब उनका था बीए में, और उन्होंने हायर स्टडीज के लिए भी उसी में किया, तो सर संपर्क में रहे तो मतलब वो डिस्कशन उसी बारे में होती रहा। तो किसने कहा था कि यदि शिक्षित लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो वो तैयार रहे कि अशिक्षित लोग उसके ऊपर राज करेंगे? सॉरी सर, मैं इस बारे में कोई बात देख लूंगा। आपको पॉलिटिकल थिंकर्स में कौन से थिंकर आपको अच्छे लगते हैं? जीएस मिल, उनकी सबसे मतलब आप जिसे आप कहेंगे कि जो सबसे बेस्ट उनकी चीज जो आपको प्रभावित की वो क्या? सर उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट उस समय में दिया था कि वो उन्होंने वुमेन को जो है वोटिंग राइट दी थी सबसे पहला। सर सेकेंडली उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उनको सपोर्ट किया था, जैसे कि उन्होंने ही बोला था सबसे पहले उन्होंने ही बोला था कि अगर हम भीड़ में खड़े हैं और एक सिंगल आदमी का भी अपोजिंग वॉइस है तो उसकी वॉइस भी सुन लेनी चाहिए, अगर गलत वो रहा तो वो सीख लेगा, अगर वो सही रहा तो सुधार कर लेंगे हम अपने मतों में। वेरी गुड। अब वुमेन वोटिंग की बात करें, अभी पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था हाल ही में जो वुमेन को रिजर्वेशन जो सीटें हैं बढ़ा दी गई, कितना कर दिया गया उसे? 35%। बिहार में कितना परसेंट है पंचायतों में? पंचायतों में 50% है सर। और वो 35% आप कंफर्म है? जी सर। 35 है या 1/3 है? सॉरी सर, मैं देख लूंगा इसको। अच्छा कोई बात नहीं, देख लीजिएगा इसे। आपका बीपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट है ये? सर मैंने 66th में पहला अटेम्प्ट दिया था, मेरा प्रिलिमिनरी क्वालिफाई नहीं हो पाया था। 67th में भी मैंने दिया, उसमें सर इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था, थोड़े कम नंबर थे इस वजह से मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया। आपको क्या लगा कि आप इंटरव्यू में पिछले बीपीएससी में क्या गलतियां कर दिए थे? सर मैंने अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को ठीक से स्टडी नहीं किया था, उससे कुछ बेसिक सवाल पूछे गए थे जिसका सर मैं जवाब नहीं दे पाया था, और सर और भी कुछ मतलब रैंडम क्वेश्चंस थे जिसका मैं सही से जवाब उत्तर नहीं दे पाया था। मतलब तो इस बार आप कॉन्फिडेंट हैं सर जी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जैसे आपका आपका प्रोग्राम रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी, अभी एक समस्या आती है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या है कि बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, उससे क्या है कि उनके कचड़ों से नदियां काफी प्रभावित हो जाती है। आप दिल्ली से पढ़े हैं तो दिल्ली की यमुना इसकी ज्वलंत एग्जांपल है जी। तो क्या मेजर स्टेप उठानी चाहिए खास करके इंडस्ट्रीज को कि जब वो अपना वेस्ट ड्रेनेज में करे तो जिससे नदियां उतनी प्रदूषित ना हो, आपको सुझाव देंगे? सर सर उसका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, जैसे कि सर दिल्ली में यमुना में जो मतलब हम देखते हैं छठ के समय में फोम्स वगैरह आ जाते हैं बहुत सारे डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज की वजह से, वो लोग सर डिटर्जेंट और जो ड्राई क्लीनिंग जो होती है वो डायरेक्ट पानी बहा देते हैं, सर उसका ट्रीटमेंट प्री ट्रीटमेंट करना चाहिए सर, जिससे कि उसको न्यूट्रलाइज करके बहाया जाए जिससे कि टॉक्सिसिटी कम हो जी। आप पॉलिटिकल साइंस से पढ़े, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना या आर्टिकल 32? सर ये प्रीएम्बल को कहा जाता है। और आर्टिकल 32 को भी कहते हैं, आखिर दोनों में इतना कॉन्ट्रोडिक्शन क्यों? सर बी आर अम्बेडकर जी ने मतलब उन 32 को आर्टिकल 32 को कहा था। और प्रस्तावना को किसने कहा था? सर वो मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं देख लूंगा एक बार। मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब का नाम सुने? जी सर, जी जी जी, यस सर। तीनों पोस्ट पे रहे थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी रहे, उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे। आपने लिखा है कि आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद नहीं है,
तो क्या मतलब स्पोर्ट्स तो अच्छी चीज है, हेल्थ के लिए भी सही है स्पोर्ट्स, और इंसान को थोड़ा डायनेमिक भी रखता है, तो कोई स्पोर्ट्स आपको नहीं पसंद, ऐसा क्यों? सर एक्चुअली मैं 10th तक सर क्रिकेट खेलता था, उसके बाद सर मैं नी में प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद से सर नॉक नी का की वजह से मैंने प्रेफरेंस में भी डीएसपी को नहीं प्रेफर किया था, उस वजह से सर स्पोर्ट्स कम करता हूँ। अच्छा, ये आपने वेब सीरीज और ओटीटी को अपनी हॉबीज बताइए, ओटीटी क्या है ये? सर वेब सीरीज और ओटीटी है, ओटीटी पे सर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स रहते हैं बहुत सारे, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सोनी लिव, ये इन सब पे सर वेब सीरीज दी जाती, मतलब दिखाई जाती है सर, वो मैं देखता हूँ। तो आप ये ओटीटी जो है इनका, ये कुछ फिल्म के राइट्स ले लेते हैं जो एक्सक्लूसिव उन्हीं के पास दिखाई जाती है जी, नहीं लगता कि एक पब्लिक के हिसाब से उसको काफी ज्यादा भटकना पड़ता है कि कुछ मूवीज उसकी इस ओटीटी पे है, कुछ दूसरी ओटीटी पे है, तो एक कंज्यूमर कितने ओटीटीज का सब्सक्रिप्शन लेगा? कुछ मूवीज जैसे आपका अमेज़न प्राइम पे है तो नेटफ्लिक्स पे नहीं है जी, कुछ यहाँ है तो वहां नहीं है, तो क्या आपको लगता है एक सुपर ओटीटी होना चाहिए जिसका एक सब्सक्रिप्शन ले ले तो सबको हो जाना चाहिए एज ए कंज्यूमर के हिसाब से? सर इसका एक सॉल्यूशन जो मैंने देखा है सर, आप अगर कोई एक सेलुलर ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो उसमें सर एक स्कीम के तहत सर उस अमाउंट का रिचार्ज करवाने के बाद सर वो सारे ओटीटीज जो है आप एक्सेस कर पाते हैं। अच्छा जी, बढ़िया। आपके आइडियल पर्सन आपकी माताजी रही हैं जी, माताजी से आपने सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीजें सीखी हैं? सर मेरी माताजी ने सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, बीए और एमए दोनों किया पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन जब शादी हुई तो उनको गांव में रहना पड़ा था। वो सर 1990s के समय में सर, उस समय में इतनी ज़्यादा एजुकेशन के बाद सर वो उधर रही, तो सर एजुकेशन का एक यही मतलब नहीं है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, हम सर एजुकेशन के थ्रू सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर एकजुट रह करके सर मतलब साथ साथ ले करके चलने का भी मतलब विचार रख सकते। आपकी माता जी ने काफी बेहतरीन ढंग से अडॉप्ट कर लिया है गांव के परिदृश्य को, जबकि उस समय उन्होंने पॉलिटिकल, शायद इसीलिए आपने भी पॉलिटिकल साइंस लिया माता जी से। अच्छा है, वहां से प्रभाव लगा, गुड, वेरी गुड सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जब पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शन सब्जेक्ट है तो गंभीरता से पढ़ा होगा इसको? काफी गंभीरता से पढ़ा होगा जी सर। ये आर्टिकल 252 जानते क्या है? सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा, याद इसे पढ़ा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि डायर की इन सेंटर एंड डायर की इन प्रोविंस, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस? डायर की समझ रहे हैं? जी जी, डायर सर, डायर की इन स्टेट्स जो था वो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था, और डायर की एट सेंट्रल लेवल सर वो आया था 1935 एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट। क्या बेसिक डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस सर ये हो जाएगा कि, सॉरी सर ध्यान नहीं, आपका स्ट्रेंथ क्या दिखाया आपने, क्या बताया स्ट्रेंथ के बारे में? सर कंपैशनेट हैं और स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग में मतलब बिलीव करते हैं सर। अच्छा, मुझे बताइए, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप कार से जा रहे हैं जी, एक ट्रैफिक में आप फंस गए, एक छोटी सी बच्ची आई और बच्ची आपसे आकर के पैसा, आप अपना पर्स निकाले बाहर और निकाल करके उसमें कुछ खुदरा ढूंढने लग, उसी बीच में वो बच्ची क्या की आपके हाथ से पर्स ली और भाग गई। एक बाइक वाला देख रहा था, वो उस लड़की को पकड़ लिया, पकड़ करके वो उसको मारना शुरू कर दिया, इधर ट्रैफिक खुल गई और आपकी गाड़ी जो है वहां खड़ी, ऐसे कंडीशन में आप क्या करें? सर सबसे पहले तो जो ट्रैफिक है वो उसका मूवमेंट सर सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए, तो मैं अपनी गाड़ी को साइड में लगा लूँगा, मतलब साइड करके रख दूँगा। उसके बाद सर जो वहाँ पे मतलब जो जिस मोटरसाइकिलिस्ट ने उसको पकड़ करके उस बच्चे को मतलब वो मार रहे थे, वहाँ पे जा करके सर उससे छुड़ाऊँगा, क्योंकि वो मतलब उसको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये मतलब
जो भी अपराध इसने किया है वो मेरे साथ किया है, तो आप छोड़ दीजिए, मैं डील करता हूँ। उसके बाद सर मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि वो बिलोंग कहाँ से करती है, उसके माता पिता कहाँ हैं, और वो क्यों इस तरह का मतलब उसका बिहेवियर है, या जो भी वो छीना झपटी कर रही है वो क्यों कर रही है, और इस बात की तह तक जाने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ हेल्प मैं कर सकूँ तो वो मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल सर, एजुकेशन से रिलेटेड, अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे होंगे इसीलिए सर ये सब काम करते हैं, तो एजुकेशन सुनिश्चित करवाऊंगा अपने लेवल पे अगर मैं सक्षम रहा तो। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका वीकनेस क्या है? सर सबसे बड़ी वीकनेस जो मेरी है, मैं देखता हूँ कि आज के समय में सबके पास सर कोई ना कोई एक व्हीकल रहती है, मुझे सर मोटर व्हीकल चलाने नहीं आती है, ना ही बाइक ना ही एक कोई भी कार, सर ये एक वीकनेस है जिसके ऊपर सर मैं वर्क कर रहा हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ चलाने की, मैंने लर्निंग के भी के लिए भी। सदस्य हैं आपके घर में? सर चार हैं मैं। चार कौन कौन? सर मदर फादर मेरा भाई और मैं। अच्छा ये बताइए आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पेनल कोड। सीआरपीसी का? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एसटीएसी आपने किया, ऑप्ट किया है सेकंड चॉइस, उसका क्या फुल फॉर्म हुआ? सर उसमें स्टेट टैक्सेस असिस्टेंट कमिश्नर। एडीटीओ? सर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। अच्छा बीएस तो एजुकेशन सर्विस yes, है ना। तो ये बैटल ऑफ प्लासी, इसके बारे में हमको कुछ बताइए, कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, और उसका क्या इफेक्ट पड़ा इंडियन थीम? सर बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था सर, ये सिराजुद्दौला के फोर्स और ब्रिटिश फोर्स के बीच में मतलब हुआ था प्लासी में, और सर इसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि ब्रिटिश की पोजीशन बंगाल में स्ट्रेंथन हुई थी विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, और जो कि कम्प्लीमेंट इसको कम्प्लीमेंट किया था बैटल ऑफ बक्सर 1765 में रिवेन्यू राइट्स के थ्रू, दीवानी राइट्स के थ्रू। ये प्लासी है कहाँ? सर प्लासी वेस्ट बंगाल में ही है। हाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? सिराजुद्दौला जो है जी, सिराजुद्दौला क्या बोले, वो कहाँ के थे? थी वो कहाँ के, कहाँ के रूलर थे, किंग थे ना भाई? जी वो वेस्ट मतलब बंगाल प्रेसिडेंट मतलब बंगाल प्रोविंस के थे। किस डिस्ट्रिक्ट से उनका प्लासी, किस जिले में है? सर वो मुझे नहीं पता, मैं देख लूंगा। मुर्शिदाबाद। थैंक यू सर। अच्छा ये वाटर हार्वेस्टिंग ये बहुत आ रही है पॉइंट, क्या है ये? सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि वाटर का क्राइसिस चल रहा है, मतलब डेवलप्ड वर्ल्ड से लेकर के डेवलपिंग वर्ल्ड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में भी वाटर का क्राइसिस आ रहा है सर, उस केस में सर वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ज्यादा मतलब अच्छा। क्या करता है इसमें, क्या होता है सर वाटर? इसमें सर वाटर को सर हम लोग बचाते हैं, और जैसे रेन वाटर है तो सर उसको जो है एक जगह कंजर्व करते हैं। इससे क्या फायदा होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होने होना होगा? सर अगर हम उसको स्टोर करके कहीं रख मतलब एक वेल में अगर मतलब स्टोर कर रहे हैं, तो सर इससे इनडायरेक्टली सर ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होगा सर। सेकेंडली सर हम लोग वाटर को अगर कंजर्व करेंगे या हार्वेस्ट करेंगे तो सर उसमें सर मतलब हम लोग इकोनॉमिकली वाटर को यूज़ कर रहे हैं, तो वाटर को हम लोग सर बचा सकते हैं जो पोटेबल वाटर है। उसके बाद सर जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट्स है जैसे, उसको सर अगर हम रिवर्स में बहा देते हैं वाटर के थ्रू, तो सर उस वेस्ट को ट्रीट करके सर हम लोग जैसे गार्डनिंग कर सकते हैं, तो ये फायदा है उसका। अच्छा ये सहरसा का इम्पोर्टेंस बताइए, आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज वहाँ का हमको बताइए सहरसा के बारे में। सर सहरसा मकई के उत्पादन में अग्रणी जिलों में से एक है, शायद फोर्थ सर मैं अगर सही हूँ फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे है मकई के, और सर वहाँ पे टूरिज्म पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो सर एक मंदिर है उग्रतारा मंदिर, तारा स्थान जिसको बोला जाता है, महिषी गांव में एक सूर्य मंदिर है सर जो कंधा में है। ये इसका तारा मंदिर जो है इसका क्या इम्पोर्टेंस है? सर वो शक्तिपीठ है कहा जाता है, और सर बिहार में शक्ति सर्किट में उसको इंक्लूड किया गया है, बिहार के शक्ति सर्किट में से एक में उसको गिना जाता है। अच्छा और चलिए आगे बढ़िए।
और सर बनगांव में लक्ष्मीनाथ गोसाई जी की कुटी है जो कि मतलब रिलीजियस पर्पस से इम्पोर्टेंट है, वो एक संत थे। और सर सहरसा डिस्ट्रिक्ट में टाउन एरिया में सर मत्स्यगंधा झील एक है जो कि वहाँ उसके बगल में एक मत्स्यगंधा मंदिर भी है जो कि सर रिलीजियस और टूरिस्ट पर्पस से भी ठीक मतलब हम लोग देख सकते हैं। चौधरी बताइए सहरसा का। सर सहरसा के साउथ ईस्ट में मधेपुरा है, साउथ वेस्ट में खगड़िया है सर, नॉर्थ वेस्ट में मधुबनी है और सर नॉर्थ ईस्ट में सुपौल है। चलिए हो गया, हो गया। अच्छा इंटरव्यू तो आपका हो गया, इंटरव्यू हो गया, रिलैक्स हो जाइए। आप जब ग्रीट कर रहे हैं तो जब भी आप चेयर को ग्रीट करें तो सबको एक बार देखिए, क्या था ना कि गुड मॉर्निंग सर करके बैठ गए थे, सबको एक बार आई कॉन्टेक्ट हल्का स्माइल देके आप आई कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। दूसरा आप नर्वस ज्यादा हो गए, नर्वस नहीं होना है, रिलैक्स एकदम बैठना, एकदम रिलैक्स जैसे घर पे बैठते हो उसे रिलैक्स होके क्वेश्चन का जवाब देते समय आई कांटेक्ट रखिए, जैसे आप कंटिन्यूअस घूर तो सकते नहीं है बट जब आप जवाब दे रहे हैं उस दौरान 70% आप आई कांटेक्ट मिला के रखिए, कभी आंख इधर उधर चलता है आप बट कभी नीचे देखना या नहीं होता, कभी दूसरे चेयर को मेंबर को देख लिए बट कोशिश कीजिए ज्यादातर चीजों में आई कॉन्टेक्ट रखे। समय नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं हो रहा था आपका, 50-50 था। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं हम इधर देखने लगे कि देखिए आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा ना कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं, वैसे आप ज्यादातर कोशिश कीजिए कि ज्यादातर टाइम में आप आई कांटेक्ट रखें, बीच बीच में थोड़ा हटा ले कोई दिक्कत नहीं है आपको, जब आप कोई क्वेश्चन नहीं बता पा रहे थे जीभ बाहर नहीं निकालेंगे, ऐसे नहीं सॉरी सर ऐसे नहीं, ठीक है, वो गलती से निकल जाता है, कभी कभी हैबिट हो जाता है आदमी को पता नहीं चलता है, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। न्यूज़पेपर आपसे अक्सर ये सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल कि न्यूज़पेपर पढ़े थे कि नहीं, उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। तो नेशनल में आपने जो बताया वो बड़ा न्यूज था बट वो इंटरनेशनल बड़ा था जी। और सर ने जो कहा कि अमेंडमेंट आया है इंडियन पिनल कोड का नाम चेंज किया गया उसमें से कुछ चीजों को हटाया गया है जो रिलेवेंट नहीं थे जी, वो नेशनल के हिसाब से सबसे बड़ा न्यूज था। तो सबसे पहले आपको बाइफर्केट करना है कि स्पोर्ट्स में सबसे बेहतरीन कौन, सबसे बड़ा न्यूज क्या था, नेशनल में कौन सा था, इंटरनेशनल में कौन सा था, ठीक है। तो वो वहां पे थोड़ा सा हिस्ट्री का नॉलेज तो आपको ठीक रखना पड़ेगा, जैसे दिल्ली अभी दूर है ये बात, दिल्ली सल्तनत की थी जब ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल जीत के आ रहा था तो उसने दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया से कहा था कि हमें हिसाब चाहिए, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, तो बीच रास्ते में अफगानपुर एक जगह था आगरा के समीप, वहां लकड़ी के महल में उसे आराम करने के लिए रखा गया, तो महल गिर गया वहीं मर गया। तब से ये कहावत कह दी गई कि अगर कोई चीज असंभव है जो होगा ही नहीं तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है दिल्ली अभी दूर है। आपने इसको बोल रहा था स्वतंत्रता संग्राम, वो दिल्ली चलो था, हम मेडिवल इंडिया बताया आपको जी, निजामुद्दीन अली मुझे नहीं पता सुभाष चंद्र बोस ने बोला यहाँ दिल्ली दूर है। अगली बार आपको जब हम लोग रिकॉल करेंगे यहाँ से रिकॉल किया जाएगा तो आप उसमें हिस्ट्री की और पॉलिटी की जो की पॉइंट्स है, हाँ, जनरल नॉलेज पढ़ा के, टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इम्पीचमेंट टाइप के चीजें हो गई, इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, ये सब चीजों को जो क्योंकि आपका ना पॉलिटिकल PSIR सब्जेक्ट है तो उम्मीद किया जाता है कि उससे चीज, तो वो सब चीजों को थोड़ा देख लीजिएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, जो मेन मेन चीज है, देखिए आपको हिस्ट्री पढ़ना नहीं है जी, जी। बट वो जो होता है ना ऑन द ट्रिकी पॉइंट जो पूछ लेता है, जैसे गांधी जी के बारे में अगर किसी को कोई पूछना होगा शायद ही पूछे फिनिक्स फॉर्म वगैरह के बारे में, लेकिन 1800 ये आपको पूछ देगा ये असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, ये फेमस कॉमन चीज है, कॉमन चीजें उठा लीजिएगा इंटरव्यू के लिए और उसको सेक्शनल वाइज याद कीजिएगा। कौन गांधी जी के बारे में पूछेगा कि साउथ अफ्रीका में क्या किए थे, वो उतना पूछा जा रहा था, पीटी है मेन्स है सर, वो मैं हम वो मतलब हम कर मतलब बता सकते हैं हाँ। तो सर ने जो प्लासी वाला पूछा तो मतलब थोड़ा टेंशन नहीं होता है, टेंशन में नहीं जाना, यही होता है जो आप सोचे हैं जो तैयारी किए हैं उन्हें पूछा जाएगा, जो नहीं तैयार है ऐसा होता है ना, यहाँ तो हम लोग एक एक करके पूछ रहे हैं, ठीक है, वहाँ इंटरफेयर कर जाएंगे बीच में लोग, कोई क्वेश्चन आएगा ना दूसरा बगल वाला पूछ देगा, थोड़ा सा जो है ना आप जो बताए खान साहब वो प्रिपेयर कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, हिस्ट्री और पॉलिटिकल और आपका जो सब्जेक्ट है ये सब चीज को कर लीजिए और उस पर ठीक है, नॉर्मल चीज रखना आपको रिकॉल किया जाएगा। जैसे बाबर के बारे में पूछना होगा ना पानीपत की पहली लड़ाई पूछेगा, उसे नहीं पूछने जाएगा बाजौर अभियान कहाँ था, काबुल कब किया था, फरगाना कब किया था, समरकंद की नहीं, तो हर चीज जनरल कॉमन चीजें पूछी जाती है।
समझा रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बाकी आपको नहीं घबराना, हम लोग की ओर से डन है आप, हम लोग की कोशिश, हम लोग किसी को भी अगर ज्यादा समझाने लगते हैं ना, इट मीन्स है कि वो पॉजिटिव है। अगर हमें यही पता रहता आपका सिलेक्शन ही नहीं होने वाला है, कह देते कि जाइए। आप हमारी फीलिंग समझ रहे हैं? जी, जी। हम जानते हैं कि यू आर यू विल बी सिलेक्टेड दिस ईयर। ओके ओके, दैट्स व्हाई वी आर प्रेसिंग यू। ओके ओके।